यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले सिटी कोतवाली थाना टीआई अरविंद कुजूर ने अंतर राज्य गिरोह का एक पर्दाफाश किया है, जिसके पास से 12 बोर की बंदूक निमा अभ्रद्धि 312 बोर के कट्टे समेत 8 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि ये गिरफ्तारी अलग अलग जगहों से की गई है। मीडिया से चर्चा करते हुए SP अमित सांघी ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम काटी में एक व्यक्ति जो अपने हाथ में एक 12 बोर का देसी बंदूकनुमा हथियार लेकर घूम रहा है, जिनकी कुल कीमत 53,700 रुपये बताई जा रही है, और जल्द ही अवैध जखीरा का भी खुलासा किया जाएगा। आज हमारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 अवैध हथियारों को जब्त किया है, और इसमें जो मुख्य आरोपी है ये कांटी का रहने वाला है, जिसके पास से हथियार बरामद हुई है। यही जो है उत्तर प्रदेश के चरखारी जो कि महोबा जिले में है, वहाँ से हथियार लाके और छतरपुर और आसपास के इलाकों में कमाया करता था। जब इस मुख्य आरोपी को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई, तब ये उन लोगों का पता चला जिन्होंने ये कट्टे खरीदे थे। तो अभी हमारे पास 8 ये बरामद हो गए हैं। जो मुख्य आरोपी है, इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, ये मर्डर के एक प्रकरण में जेल जा चुका है। इसके अलावा अन्य छोटे मोटे कई अपराध इसके ऊपर दर्ज हैं, और अन्य जिन लोगों के पास से ये कट्टे बरामद हुए उन सभी का कहीं ना कहीं आपराधिक रिकॉर्ड।